सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या को लेकर अब पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रविवार को पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तार निहंग नारायण सिंह, भगत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह को लेकर पुलिस अदालत पहुंची। तीनों को सिविल जज की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अदालत ने तीनों को 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया। जज के सामने पेश होकर तीनों आरोपियों ने कहा कि लखबीर सिंह की हत्या उन्होंने की है। नारायण सिंह ने कहा कि उन्होंने पैर काटा तो भगत सिंह और गोविंद सिंह ने उसे लटकाया था। बता दें कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। आरोपी धार्मिक नारे लगाते हुए कोर्ट के बाहर निकले, इसके बाद हाथ लहराया। वहीं सरकारी वकील के मुताबिक पुलिस ने तीनों निहंगों का 14 दिन का रिमांड मांगा था। हालांकि अदालत ने सभी आरोपियों को 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। इस मौके पर निहंगों ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि वे 4 साथियों का आत्मसमर्पण करवा चुके हैं, अब और आत्मसमर्पण नहीं करवाएंगे। इस तो बाद गिरफ्तारी कोई भी मांगे तो अपनी तैयारी कर लेन, फिर जिथे 4 भेजे ने फिर 4 अंदर नहीं रहेंगे, भी बाहर आएंगे। अज असी समाज का सारे संसार का साथ दिता, असी बनती कार्रवाई पूरे वर्ल्ड च संसार नूं कहना चाहुंदे आ, जे अज तुसी गुरु साहब करके दिल्ली नहीं पहुंच सकते फिर तुसी कदे घरां चों नहीं निकल सकते। कहण दा भाव भी साडियां जमीरां मरियां ने, लोक बड़ियां ताकतां ते जाके बड़ियां बड़ियां गल्लां करदे सी। बाबा राजा राज सिंह जी ने बिल्कुल क्लीयर करता जी ताकत ते भी जिस दिन निहंगा सिंघां कोले कोई भी बेअदबी करता फड़िया गया झटकाया जाऊगा। गुरु साहब ने वह बचना दे उत्ते अज फुल चढ़े ने, सतगुरां दी अपार कृपा दे नाले मोर्चे फतेह होए ने, सतगुरां ने कार्ज अपने आप कराए ने। निहंगों ने इस मौके पर किसान नेताओं पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुआ तो किसान मोर्चा ने कहा कि उनसे उनका कोई वास्ता नहीं। बेदबी की बात आई तो बोलते हैं कि निहंग सिखों से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने पूछा कि आखिर किसान नेताओं का वास्ता किससे है जो निहंगों को दोषी बता रहे हैं। वे किसान नेता नहीं, कॉमरेड है।